यार लाइट की कमी हो रही है। ये खाजा, इसको बोलते हैं खाजा, मतलब खाजा। मस्जिद है ना, जमा मस्जिद ही नाम है ना, मैं तो भूल ही गई हूँ। ये पूरा देखा गया, जमा मस्जिद है, इधर पहुँच गया, यहीं तक। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट ब्लॉग जो था उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था, और हाँ कुछ कमेंट्स भी थे जिसका मैं अभी रिप्लाई करने वाली हूँ। तो वीडियो की क्वालिटी को लेके, साउंड को लेकर के, तो मैं क्या पहले बता देना चाहती हूँ कि मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो है 12 प्रो मैक्स में कर रही हूँ आईफोन के। तो वीडियो की क्वालिटी के ऊपर तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो अच्छी वीडियो आती है, लेकिन लाइट की वजह से जो है ना थोड़ा सा क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इधर लाइट थोड़ा कम मिल रहा है, धूप में हम निकल नहीं सकते वीडियो के लिए, ना ही मैं विंडो खोलने देती हूँ, ना ही गेट में खोलने देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना गर्मी ऐसा लगता है कि फील होता है। तो बस जो घर की लाइट्स होती हैं बस हम उसी में ये करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ये होता है वीडियो क्वालिटी के ऊपर थोड़ा हो जाता है। और साउंड इफ़ेक्ट तो आजकल ना, इधर हमारे घर के बाजू में एक शादी हो रही है, तो वहाँ पे ना जनरेटर चल रहा है, तो उसकी वजह से भी साउंड पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम केयर करेंगे उस चीज़ का। वैसे अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि साउंड भी अच्छा हो, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो, दोनों ही अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे व्लॉग में और पूरा व्लॉग देखिएगा। वो जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उतना ही अच्छा मैं मेहनत कर सकती हूँ। वैसे जितना सपोर्ट मिलता है ना उतनी अच्छी मेहनत होती है, वरना दिल भी नहीं होता कुछ भी करने का। तो बस ये था हमारा व्लॉग, और इसी तरह जितना आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को दिया है प्यार, उससे ज़्यादा ही प्यार और भी आगे अपना बनाए रखिएगा, और हमेशा अपना प्यार देते रहिएगा। इसी तो आप लोग बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, इंशाल्लाह हम भी आपको अच्छे से अच्छा व्लॉग देंगे और आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा व्लॉग। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा सभी लोग, और दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है अभी। पीछे घूम, शादान अभी मार खा के आया, कहाँ से मार खा के आया? मैच के लिए गिर गई, तो गिर के लिए पैर दिखा, सलाम पैर में फंस गया रस्सी। हाँ है मेरे पास, देते हैं। मैं भी एक्स्ट्रा में लेके चलती है, काट खुद चलता है। 15 दिन तू मैच जीत गया तो हालत देखो, हाथ चिलाना, पैर टूटा हुआ है, पीछे लगा हुआ है चोट, और बोल रहा मैच जीत के आया। शादान कितने दिन हो गए नहाए हुए? तो अभी तो सुबह नहा के गया। झूठा है, ये दिल साफ होना चाहिए इंसान का। सच सच बोल, कितना दिन हो गया नहाए हुए? कल रात में नहाए थे। कितना दिन हो गया मैंने इसको नहाए हुए? या अल्लाह जो झूठ बोल, यहाँ तो नहीं नहाया, यहाँ तो नहीं, यहाँ हमको आए हुए कितना दिन हो गया? 4 दिन, 4 दिन हुआ ना। अल्लाह की कसम जरा सा झूठ बोल, 4 से 5 दिन हो गया नहाए हुए, ये नहाया नहीं है। इसको कमेंट में बोला जाए कुछ, आप लोग बोलो। चलो मलहम पट्टी चल रही है, उससे पहले उसका वो, अरे डस्ट तो क्लीन करो उसका। लोग का करना चाहिए, छोटी जात का नहीं। कहाँ से लेके आया? ये संगम मोमोज टावर पर से। कितना बड़ा झूठा है रे, कम से कम संगम मोमोज होगा तो उसका ये ब्लैक पॉलिसी। अरे हम लोग स्विगी से सामान मंगाइए और क्या कहते हैं जोमेटो का स्टिकर चिपका के भेज दे, इस देश पे भरोसा? तेरा तो 1% का भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। छेना का पर बोले तो छेना का पर। ये कहीं भी दिखे आप लोगों को तो इसके बातों पे भरोसा नहीं करना। हाँ, अपनी बेटी दे दीजिएगा। तो वहाँ कोई नहीं देगा। मेयोनी। हाँ ऐसे देता है यहाँ पे, वो डिब्बे में नहीं देता छोटा वाला। हैदराबाद से आएंगे ना? यस, मैं हैदराबाद से आई, छोटे शहर के लोग। हम लोग क्या देखे, 4 मीनार नहीं देखा ना?
जाके देख ले चटनी मतलब सर्या, अच्छा सर्या ये सर्या चटनी ऐसे देता है मेवा ऐसे देता है ससुराल और भाई को पता नहीं चार मिनट कैसे शर्म वाली बात है शर्म इसको ऐसे रहने दोगी महविश के मुंह में ऐसा पानी आ रहा कि पूछ मत अभी सन्नी का रिकॉर्ड कर ले हमको खुश खुश करना है तो मोमोज खिला दो बस नहीं हमको नहीं करना सदार कितना बार डिंग दे रहा था नहीं जाऊंगा पैर में दर्द है लेके आए अच्छे नाका से तो हमने ही दिया था पैसा इसमें कौन सी बड़ी बात फिर झूठ बोला अल्लाह की कसम तो गाइस मोमोज पार्टी हो रही है अब मोमोज लेके आया है यार लाइट की कमी हो रही है चल जाएगा धीरे धीरे खा गरम गरम को उठा के मुंह में रखे जा रहा अरे फ्लैश अभी ऑन हो रहा था फिर नहीं हो रहा शहदान मास्टर शेफ मछली बना रहे हैं गाइस हमारे पास आया है छोटी मछली और यहाँ पे दो कलाकार हमारे लगे हुए हैं मछली फ्रेंड का मैंने देखा कि दो कलाकार के साथ एक बेकार भी बैठी है मैं बनाई हूँ मेरा कहाँ है अरे मैं अपना दिखा रही रुक जा मैं बनाई हूँ ये देखो इसका पेट टूट सब कैसे फट गया बेचारे का आपकी मछली लाना है अच्छे से नहीं बना इसीलिए मैं भी बना रही है अभी मछली हमारी छोटी कलाकार हाँ दिखा पैसा बनाया कहाँ रखा ए पेट फाड़ना जरूरी है दो लेग पीस रखिएगा ये हमारे पास बहुत सारे लेग पीस है देख रहे हो हमारे मटके की तारीफ हो रही है अंदर में अरे हम क्या बोल रहे थे छोटी मछली बनाना बहुत बड़ा कला है ठीक है अब वो कला है हमारे महविश के अंदर हम अपने दादा दादी के पास दादा दादी के पास तो कह रहे हैं हम तो देखे भी नहीं दादा दादी को याद ही नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं पता नहीं याद है ये भी एक तरह का बदनसीबी हुआ तो जिस जिसको आता है छोटी मछली बनाना कमेंट्स करके बताएं हमारे दो कलाकार की तरह और कौन कौन लोग है तो गाइस यहाँ बिहार में जिसकी भी शादी होती है तो शादी में ये खाजा और ये लड्डू जाते हैं देख रहे हो आप लोग और ये गाजा मिठाई कपार पे मार दिया जाए अल्लाह ये लोहा जैसा सुनने की लाश खा जाएगी ए ये लोहा पत्थर जैसा गांजा मिठाई देख ये वो वाला गांजा नहीं है जो वाला आप समझ रहे हैं ये खाने वाला है अरे वही खाने वाला गाजा मिठाई है कल थी शादी किसी की तो वहां से हमें आया है ये लड्डू ये खाजा इसको बोलते हैं खाजा मतलब खाजा ज्यादा तेज है ये देख लो आप लोग बाहर के व्यू ये हमारे सामने वाला छत है जिस पे यहाँ देख रहे हो आप लोग गेहूँ सूख रहे हैं ठीक है तो काफी ज्यादा धूप है ये व्यू आप देख लो समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा मैं भी धो रही है मछली जब तक मैं यहाँ पे मछली का मसाला रेडी कर रही हूँ कभी कभी फ्लैश लाइट ऑन होता है कभी कभी नहीं होता है देख लो मेरा क्या हो अगर मुझे बनाना सब कुछ आता है यानी कि पकाना सब कुछ आता है बनाना कुछ भी नहीं आता तो मैं बस पकाने का काम जानती हूँ बाकी बनाने वाले मछली बना रहे तो मैं सिर्फ बनाऊँगी यानी कि पकाऊँगी और सबको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊँगी वैसे गर्मी तो हाई लेवल की ऊपर से खाना बनाओ सोचो और कितनी गर्मी लगती है यहाँ पे मसाला हमारा भुन के रेडी हो गया है अब बस मछली डालना है हमें अभी तक मछली धुला रहा है वॉश कर रही है महविश देख रहे हो मछली के मसाले अच्छे से भुन चुके हैं बहुत ही मज़े की बनने वाली है छोटी मछली ये देखे मछली धुल चुकी है फ्रेंड्स कितना अच्छे से धोया है महविश ने लड़की हमारी बहुत काम की है सारे काम आते हैं इसको कोई रिश्ता विश्ता हो तो जल्दी से बताया जाए कि हमारी सर्वगुण संपन्न है ना मैं भी कि इसलिए मार खाना
the next day. Hey guys, assalamu alaikum, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी सब खैरियत से है। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन में मैं बना रही हूँ खाना। सन्नी गई है कॉलेज अपने और वो नाश्ता बना के गई थी, बट मैं अभी बना रही हूँ खाना, यानी कि सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और एक तरफ मैंने चाय डाला हुआ है। तो मैं आ रही हूँ अभी फ़्रेश होके, फिर करेंगे नाश्ता, उसके बाद पियेंगे चाय और बने रहिएगा कंटिन्यू आप लोग भी व्लॉग में। बहुत ही कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज हम जाएंगे कहीं बाहर, तो शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है। तो बने रहिएगा व्लॉग में आप लोग भी। और ये है फ्रेंड्स मेरा नाश्ता, टोस्ट एंड चाय। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं दरभंगा टावर, चलिए वहाँ चल के दिखाते हैं। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन अभी तो रात हो गई है, शाम के 7 बज रहे हैं, ठीक है। तो जो भी होगा थोड़ा बहुत वो सब आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एकदम अंधेरा हो गया है, इसलिए मिलते हैं वहाँ। ई रिक्शा, अभी हम जा रहे हैं ई रिक्शा में बैठ के। इस पर बैठने का अपना अलग ही मजा है। ये है मिलत कॉलेज वाला रास्ता, यहाँ से मिलत कॉलेज जाता है जिधर मैं पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। मैं एक दिन लेकर के जाऊँगी आप लोगों को मिलत कॉलेज। और यहाँ पे अभी हम लोग शादान का वेट कर रहे हैं। ये आया चुराल, पता नहीं कहाँ था, इतना देर से वेट करवाने के बाद अभी आया। चल कहीं पर भी बैठ, लेकिन आराम से बैठ, गिरेगा हड्डी वड्डी टूटेगी तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किला घाट में अभी हम लोग किला घाट में हैं और यहाँ पे सामने है क्या कहते हैं सीएम आर्ट्स कॉलेज। तो हम हमारा जब सेंटर पड़ता था ना एग्ज़ाम का, जब हम मैं जब एमसीए कर रही थी तब जब भी मेरा सेंटर पड़ता था तो यहीं पड़ता था सीएम आर्ट्स कॉलेज में। बहुत सारी यादें हैं इधर से। ये है सीएम आर्ट्स कॉलेज, अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। लेके चलूंगी आपको, बहुत ही ज्यादा धूप रहता है ना, तो ऊपर आके तो इसलिए पड़ता था। हम पहुंच चुके हैं दरभंगा टावर पे और यहाँ से शुरू होता है दरभंगा टावर, बहुत ही बड़ा है। चलिए फिलहाल तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती, पर जो काम मैं करूँगी जहाँ तक मैं जाऊँगी वो सब आपको दिखाऊंगी। सबके रेट में ये है मस्जिद दरभंगा टावर पे, जमा मस्जिद है ना, जमा मस्जिद ही नाम है ना, मैं तो भूल ही गई हूँ। ये पूरा देखा गया, जमा मस्जिद है, इधर पहुँच गया यहीं तक। अभी हाँ से पूरा छोड़ चुके कहता हुआ, इधर चल पहले इधर जाएंगे। हाँ तो भीड़ वाले ही इलाके में तो जाना है। अरे वो लेना है मुझे, हाँ काहे को मोबाइल चोरी हो जाता अगला। अच्छी अच्छी बात बोल, व्लॉग है मेरा समझा, अगर उल्टी पुल्टी बात बोलेगा तो यहीं पर किसी दुकान में हम रख देंगे नौकरी में। फ्री में भी तुमको कोई नहीं लेके जाएगा, फ्री में अगर बोलेगा बाद तो सन्नी धोने वाली है। और मालूम है मोमोज वगैरह जो है ना, मोमोज वगैरह जो बाहर का चीज़ है, इंसान को बहुत ऐसा अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी होता है, अभी मेरे को बोल रहा था खाना बनता है अनहाइजेनिक होता है। जैसे ही रिक्शा से उतरे हम लोग तो बोल रहे हैं कि संगम मोमोज चलो, हम तो बोले थे कि वीडियो शूट कर लीजिएगा वहाँ। बोलते हैं ना कि पलटू पलटू का एक नंबर का पलटू। देखो यूट्यूबर बनो, दिखावा करो, खाओ नहीं खली जाओ। मैं नहीं करना दिखावा, पागल दिखावा करके क्या करना है, जो है सो है ना। बढ़िए सब्सक्राइबर हमारे का नहीं, दिखावा करके नहीं बढ़ाना, जो है सो है बस। लोगों को अपने वो बोलते हैं ना कि जो हम हैं वो दिखना चाहिए, जो नहीं है वो बनावटी कहीं को दिखाना। मुल्ला लोग बोले ना कि जो हम करते हैं वो मत करो, जो हम कहते हैं वो करो। जैसे था वैसे ही उठ के आया है और अभी बोल रहा है कि मुँह धोने का भी मौका नहीं दिया। तो घर पर मुँह धोने का इसको मौका नहीं मिलता, लेकिन ये जब बाहर निकलेगा तो इसको मुँह धोने का मौका चाहिए। बिल्कुल है, ये क्या है, 2 पॉइंट। यहाँ से लेना है चप्पल।
प्रमोशन का पैसा। चल आजा, मार दे किसी के सर पे उसको। दिखता है इधर सब। तो फ्रेंड्स हमने ले लिया है स्लीपर जो हमें लेना था। बाप रे, यहाँ तो ऐसे लोग गाड़ी चलाते हैं ना जैसे लगता है आपको ठोक के निकल जाएंगे। वैसे खैर छोड़ो, अभी हम लोग जा रहे हैं संगम मोमोज खाने के लिए। ये लोग बहुत ही तारीफ कर रही थी इधर, इधर संगम मोमोज है कोई बहुत फेमस है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी संगम मोमोज के पास। चलिए वहाँ से मैं भी ट्राई कर लेती हूँ मोमोज कैसा है। लेकिन तब भी उसका आँख उतार देता था। अच्छा ये है संगम मोमोज, पहले तो यहाँ पे वो मिलता था ना, क्या बोलते हैं, चाट वगैरह आना है, मतलब बहुत पुरानी जगह है, यहाँ पे पहले कुछ और मिलता था लेकिन अब हो गया है संगम मोमोज, यानी कि किसी और ने यहाँ पे अपना खोला है शायद। चलो क्या लेना है, फ्राई है, स्टीम तू खाएगा। खाना है फ्रेंड्स, हमने खा लिया है मोमोज। इतना ज़्यादा तीखा था ना कि क्या बताया जाए। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं लस्सी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ही तीखा लग रहा है, बहुत ज़्यादा तीखा। कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं लेकिन सोचा कि जब ठंडा पीना ही है तो लस्सी पियेंगे। लस्सी पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की जगह पे, वो सही है। क्रॉस कर गया गाइस, ये दरभंगा टावर का मेन फूड एरिया है। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको खाने पीने के लिए, और वो पीछे जमा मस्जिद है, इधर दरभंगा टावर दिख रहा है आपको, और उसके जस्ट सामने से अगर हम लोग जाए ना तो इधर ये सामने ये लस्सी वाला है, ठीक है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं लस्सी पीने के लिए। ये लोग किधर गई, चल देख रहे हो वहाँ पर ज्वेलरी शॉप खुल गया है फ्रेंड्स। अब ये लस्सी वाला कहाँ चला गया 2.5 साल में मुझे तो नहीं मालूम, इन लोगों को खुद नहीं मालूम है, न इसको मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। जिधर से अभी हम लोग आ रहे थे ना उधर रास्ते में शायद दिखा था हमें एक लस्सी वाला, लग रहा है कि ये वहाँ से ना वहीं शिफ्ट हो गया है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। फाइनली मिल गया है, उसने अपना इधर शिफ्ट कर लिया। वो तो अच्छा हुआ हम जा रहे थे ना जब रिक्शे पे, तभी हमने इसको देख लिया था। देखो मिल गया, यही है वो, हम लस्सी यहीं पीते हैं। मैं पढ़ के भी गई थी आते हुए हमें रास्ते में दिखा सब्ज़ी, बहुत ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ दिख रही थी, तो मैंने सोचा कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे टमाटर लिया हमने, उसके बाद और भी सारी सब्ज़ियाँ लिया, तो गाइस चलो अब ले लिया, चलते हैं घर, घर पे जा कर के मिलते हैं आपसे। A few minutes later. तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं घर,
थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स खाना वाना हो गया, अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, और हाँ, मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को इतना सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक करना, ढेर सारा कॉमेंट करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करो, और जितना प्यार आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग को दिया था उतना ही और उससे ज़्यादा ही प्यार हमारे हर व्लॉग को दीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।